नाथ संप्रदाय भाग 8। सिद्ध और नाथ, इन दोनों में क्या अंतर है? सिद्धों और नाथों की आदिकाल से लेकर अब तक की यात्रा को ही कोलांतक मार्ग कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में ही भगवान शिवनाथ स्वरूप में प्रकट होते हैं और नाथ यानी जो कुछ भी स्वयं का है वो शिव स्वयं शंभुनाथ का है। यदि शरीर शास्त्री का है तो पुरुष पूर्णार्थ है और यदि शरीर पुरुष का है तो शास्त्री पुरुष है। शिव है तो शक्ति के कारण और शक्ति शिव के कारण, यही संभेद मत और सिद्ध मत कहता है। इसीलिए अर्धनाशीवर शिवलिंग को पूजने वाला यही निर्कार स्वरूप को प्राप्त करने वाला सिद्ध होता है। नाथ और सिद्ध एक ही हैं, एक भेद है जो दोनों को अलग अलग करता है। नाथ योग में रगाई है और अपने पर नियमित कर अपना स्वामी हो जाना नाथ हो जाना है, और सिद्ध अपनी शक्तियों को विविध माध्यमों से जैसे तंत्र मंत्र योग औषधि आदि से विश्व कर सृष्टि सहित और सर्वहित परमार्थ में लगा देना सिद्ध मार्ग के लक्षण हैं। बता दें कि नाथ हुए बिना सिद्ध नहीं हो सकता और नाथ बिना सिद्ध हुए लगभग मूर्ता है। ये संप्रदाय शिव से शुरू होकर आज तक के पड़ाव तक पहुंचा है, पर आज सिद्ध और नाथ एक मत नहीं रहे, अलग अलग संप्रदाय दो हो गए हैं। सिद्धों में भी कई उप संप्रदाय बन गए हैं और नाथों में भी। नाथ संप्रदाय को गुरु मच्छेंद्र नाथ और उनके विषय गोरखनाथ ने सुवर्तमान नाथ स्वरूप में ढाला है। पहले नाथ बाबा गृहस्थ में रहते थे या घुमंडन बाबा होते हुए भी महिला संग या विवाह कर लेते थे। इसी वजह से सिद्धों का एक तरीका बना वज्रयान, जो किसी भी तरह के जहरीले पदार्थ को भी आहार से सुरक्षित रखता है। महिला संघ या विवाह आदि के सामान्य कार्य में लाया गया था और तंत्र की महान विधवाओं के कूट हो गया था, और धीरे धीरे इस मार्ग के विकार आने लगे और यह केवल भोग का ही मार्ग बना रहा। तब गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के स्वभाव और इस संप्रदाय की योग विद्याओं का सम्मेलन किया और एक ऐसी व्यवस्था की जो आज तक निरंतर चलती आ रही है। वज्रयान को तिब्बतियों ने अपने बुद्ध धर्म से जोड़कर प्रमुख स्थान दिया, यहाँ तक कि उनकी एक प्रमुख शाखा ही वज्रयान कहलाती है। गुरु मच्छेंद्र नाथ जी और गुरु गोरखनाथ को तिब्बती बुद्ध धर्म में महासिद्धियों के रूप में जाना जाता है। सिद्ध और नाथ हिमालय के वनों के एकांत स्थानों में निवास करते हैं। ये सभी परिवाजक होते हैं यानी धुमक्कड़। नाथ और साधु संत दुनिया भर में घूमने के बाद उम्र के अंतिम चरण में किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धुनी रमाते हैं या फिर हिमालय में खो जाते हैं। सिद्धों के पास कुछ भी नहीं होता, वे भगवान शिव की तरह घुटने तक एक ऊनी कटोरा व एक ही बार में ऊपर एक टुकड़ा लपेट लेते हैं। और नाथों के पास हाथ में चिमटा, मंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद होते हैं और वे झटादारी होते हैं। यानी कह सकते हैं कि पहले दोनों एक ही थे, इसलिए नाथ योगियों को ही अवधूत या ही सिद्ध कहा जाता है। ये योगी अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं और जिसे सिले कहते हैं, गले में एक गाने की नाधी रखते हैं और इन दिनों को सिंगी शैली कहते हैं। नाथपंथी साधक शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। नाथ लोग अलख लक्ष्य शब्द में शिव का ध्यान धरते हैं और एक दूसरे को आदेश कहकर नमस्कार या स्वीकार करते हैं। अलख और आदेश शब्द का अर्थ ओम या सृष्टि पुरुष अर्थात भगवान होता है, जो नागा यानी परिधान अनुपयोगी साधु हैं। बभूतिधारी भी नाथ संप्रदाय से ही हैं। सिद्धों और नाथ योगियों में जो मैदाई और से आगे बड़े कमर्ष वैरागी उदाय या वनवासी आदि संप्रदाय जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नाथ साधु संत हठ योग तप और सिद्धियों पर विशेष बल देते हैं।
सिद्धों में 84 सिद्धियों तपस्वी और चमत्कारी हुए और नाथों में नवनाथ प्रमुख हुए।